नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके एकमात्र भरोसेमंद सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की बिग ब्रेकिंग न्यूज, पुलवामा हमले के बाद जवानों का भत्ता 78% से भी अधिक बढ़ा। वहीं ऑफिसर्स का जो भत्ता बढ़ा है वो 48%, और इसकी घोषणा गृह मंत्रालय ने की है। दोस्तों, पुलवामा हमले के बाद गृह मंत्रालय की ये दूसरी बड़ी घोषणा है हमारे जवानों के लिए। तो आइए देखते हैं पूरी खबर विस्तार से इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, उसी संदर्भ में ये जो न्यूज है अमर उजाला की तरफ से निकल कर आ रही है 24 फरवरी 2019 को, जिसके मुताबिक पुलवामा हमले के बाद केंद्र सरकार ने अर्धसैनिक बलों को एक बड़ा तोहफा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय सशस्त्र बलों के जवानों को अब तक जो रिस्क एंड हार्ट से भत्ता 9,700 रुपए दिया जाता था, उसको बढ़ा के 17,300 रुपए प्रति महीना कर दिया गया है। वहीं अधिकारियों को जो भत्ता 16,900 रुपए मिलता था, उसे बढ़ाकर अब 25,000 रुपए कर दिया गया है। और ये घोषणा होम मिनिस्ट्री की तरफ से की गई है। दोस्तों, इससे पहले 21 फरवरी को केंद्र सरकार ने आतंकी हमले को मद्देनजर रखते हुए ये आदेश दिया था कि जम्मू कश्मीर में तैनात सभी सुरक्षा बलों के जवानों को अब हवाई रास्ते से भेजा जाएगा, और ये सुविधा आसाम राइफल, BSF, CRPF, ITBP, SSB, NSG के सभी जवानों पर लागू होगी। चाहे वो जवान ड्यूटी से लौट रहा हो, उसका ट्रांसफर हुआ हो, वो किसी ट्रेनिंग पे जा रहा हो या किसी टूर पर, हर कंडीशन में उनको ये दिल्ली से श्रीनगर और जम्मू से श्रीनगर या श्रीनगर से दिल्ली और जम्मू तक उन्हें हवाई यात्रा की सुविधा दी जाएगी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी इस वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।